छत्तीसगढ़ में चुनाव की बिसात बीत चुकी है। चुनावी माहौल के बीच इन दिनों एक रोचक बात सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींच रही है, वो है छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्रियों का फिटनेस प्रेम। चुनाव के एंड पहले रमन सरकार के दिग्गज मंत्री जिम में पसीना बहा रहे हैं, कोई योग कर रहा है तो कोई दौड़ लगा रहा है। ये सब इसलिए ताकि चुनाव प्रचार के दौरान बढ़ती तोंद परेशान न कर सके। देखिए इस खास रिपोर्ट में। जिम में पसीना बहा रहे ये महानुभाव छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे हैं। पिछले 6 महीने में इन्होंने अपना 30 किलो वजन कम किया है। प्रेम प्रकाश पांडे दिन की व्यस्तता के बाद रात में 11 बजे कसरत करना शुरू करते हैं। रोजाना 1 घंटा अपने बंगले में बने जिम में बिताने के कारण वे पहले से काफी फिट भी हो गए हैं। नहीं, आप क्या, आप तो टारगेट पूरा हो गया, 117 से 79 पे आ गए, 79 और उसके 78.5 ऐसा चल रहा, अब कोई टारगेट नहीं है। मेरा कोई डाइटिशियन नहीं है, मैं खुद सवेरे उठने के बाद जो है अपना योग करने के बाद हल्का बादाम पी लेता हूँ, फिर नहावा के नाश्ते में 1 गिलास सत्तू और ओट्स, ये मेरा ब्रेकफास्ट है। देन लंच में पूरा लेता हूँ, रोटी दाल चावल घी सब्जी पापड़ अचार जो सब। लेकिन ये ज़रूर है कि आदरणीय मोदी जी को देख के थोड़ा सा सबको लगा कि भाई जब वो रह सकते हैं तो किया जा सकता, क्योंकि पहले भी हम लोग थोड़ा घूमते थे खेलते थे, लेकिन कोई तय करके नहीं, 2 दिन किए फिर छूट जाता था, फिर ब्रेक होने के बाद ये लगता था अच्छा अब अगले मंडे से चालू करेंगे, फिर मंडे ख़त्म हो जाता था, फिर बोला अच्छा 1 तारीख से चालू करेंगे, तो गैप ज़्यादा हो जाता था। तो फिर हमने इस बात को तय किया कि चाहे जब टाइम मिले, और सामान्य तौर पर जब मैं रायपुर में रहता हूँ, जैसे अभी देख ही रहे हो कि इतने बजे भी आने के बाद फिर मैं लगभग 2 घंटा जिम में बिताता हूँ। कम हुआ तो मैं खुद ही देख रहा हूँ कि वर्क एफिशिएंसी बढ़ी है, टॉलरेंसी बढ़ी है, इरिटेशन कम होता है, तो बहुत फायदे हैं। और एक बात ज़रूर कहूँगा कि अक्सर 2 बातें लोग कहते हैं, एक कहते हैं कि सुबह 4 बजे उठ के करना चाहिए, अच्छी बात है 4 बजे उठ के करो, लेकिन 4 बजे आप उठ नहीं सकते, 5 बजे उठ नहीं सकते, और इसलिए आप करोगे नहीं। जैसे मेरा ये सिद्धांत, चलो दूध में लोग बोलते हैं कि इस दूध में पानी मिला है, चलो 90% तो दूध है, 10% पानी है, तो कभी भी जब मौका मिले तो आपको कहीं ना कहीं वर्कआउट करना चाहिए किसी भी प्रकार का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर ने छत्तीसगढ़ के इन मंत्रियों को फिटनेस को लेकर ज्यादा प्रेरित किया है। ऐसे ही एक मंत्री हैं अजय चंद्राकर, इनके पास स्वास्थ्य ग्रामीण व पंचायत विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग हैं, लेकिन ये भी सारे कामकाज के बीच कसरत के लिए समय निकाल रहे हैं। कारण वही है कि छत्तीसगढ़ में चुनावी कसरत करते वक्त इनकी फिटनेस आड़े न आए, इसलिए समय रहते अपने वजन को कंट्रोल करने में जुट गए हैं। देखिए, मैं फिटनेस के प्रति शुरू से बहुत आग्रही रहा, पर कुछ लापरवाहियों से मेरा वजन बहुत बढ़ गया था, तो अभी फिर मैंने प्रयत्न करके उसको कम किया, 5-1 किलो और कम करना है। तो मैं प्रतिदिन अपनी एक्सरसाइज कर लेता हूँ 40 से 45 मिनट, खाना खाने के 2 घंटे बाद
कहीं पर कभी भी जब मुझे फुर्सत मिले तो मैं कुछ जिम में नहीं रहा तो बाहर में चल लेता हूँ। फैट कम लेना है बस हमको, कार्बोहाइड्रेट और फैट को कम लेने की कोशिश करते है ना। और यदि किसी दिन खा दिए तो फिर बर्न भी करना है कैलोरी। 10 तरह की जो विकृतियाँ आ रही शरीर में वातावरण में वो अपने लापरवाहियों के कारण है, अपने खान पान की शैली के कारण, अपने दिनचर्या के कारण है, उसको ठीक किया जाना चाहिए। सर आप कितने वेट से स्टार्ट किए थे डॉक्टर? मैं जब शुरू किया तो 93 किलो था जी। और अभी मैं 82-83 हूँ, इसको थोड़ा 78 तक लाना, वो भी ज़्यादा रहेगा लेकिन 78 तक ठीक है। लोग बोलते हैं ज़्यादा दुबला नहीं होना जी। हमारे शास्त्रों में कहा है सबसे श्रेष्ठ धन स्वास्थ्य ही है, यदि स्वास्थ्य नहीं है तो बाकी सुखों का मतलब क्या है, बाकी जो हम उद्यम कर रहे हैं उसका मतलब क्या है। मस्ती की आयु बहुत छोटी होती है, तो जो शुरू से इस मूल मंत्र को हमारे शास्त्रों का, वैज्ञानिकों का, डॉक्टरों का समझ लिए, उन्होंने बहुत बेहतर जिंदगी जी। और मैं सबको यही कहना चाहूँगा बिल्कुल इसको अपनी दिनचर्या का अंग बनाए। मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल भी कहां पीछे रहने वाले हैं, वे भी अपने बगीचे में जमकर पसीना बहा रहे हैं। योग और जॉगिंग के जरिए वे अपने वजन को नियंत्रित कर रहे हैं। वैसे भी मंत्रियों को अपने विधानसभा क्षेत्र में अभी बहुत मेहनत करनी है, कई किलोमीटर पैदल चलना है, इसीलिए पहले से ही फिटनेस पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि चुनाव प्रचार के दौरान बगैर थके ज्यादा से ज्यादा कैंपेनिंग की जा सके। बहरहाल इन मंत्रियों को देखकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक और दूसरे मंत्री नेता भी फिटनेस को लेकर सतर्क हो गए हैं। अभी देखना दिलचस्प होगा कि जिम में बहे पसीने का चुनाव प्रचार प्रसार में कितना असर हो पाता है। Log on to www.clips.in.